आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब केंद्र सरकार के अंदर ये केंद्र के चुनाव हैं, हमारे हाथ मजबूत करो। अभी लोकसभा में हमारे एक ही हमारा एमपी था, एक एमपी से कुछ नहीं होता। अगर आपने 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी तो हमारे केंद्र सरकार में हाथ मजबूत होंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कैंटोन बोर्ड के अंदर हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार में हमें ताकत चाहिए, केंद्र सरकार। एक और भाई साहब कह रहे थे फिरोजपुर बॉर्डर वो है, हमें ये दिक्कतें आती हैं। आप हमारे हाथ केंद्र सरकार में मजबूत करोगे, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद सोचो, आपकी विधानसभा, आपने सरकार चुनी, विधानसभा में कानून पास होते हैं, गवर्नर आपके कानून लेके बैठ जाता है, फिर क्या फायदा हुआ? अगर आप हमारे 13 एमपी दोगे, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी आपके बिल रोकने की। ये 13 के 13 एमपी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे गवर्नर के घर के बाहर। आपके 8000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है, रूरल डेवलपमेंट फंड के 5.5 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये पंजाब के लोगों का हक है, आपका हक है। आप भीख थोड़ी मांग रहे हो केंद्र सरकार से। ये 5.5 हजार करोड़ रुपए से मंडी तक जाने वाली सड़कें बननी थी, गांव गांव के अंदर सड़कें बननी थी। इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए, उससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। इनकी हिम्मत कैसे हो गई आपके पैसे रोकने की? इनकी हिम्मत इसलिए होगी क्योंकि लोकसभा में हमारे पास एमपी नहीं है, हम कमजोर हैं। जब हम केंद्र के साथ बात करते हैं हम कमजोर हैं। हमारे हाथ मजबूत करो, आप हमारे हाथ मजबूत करोगे, ये 13 के 13 एमपी हमें दे दोगे, केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी पंजाब के मसलों के अंदर इंटरफेयर करने की। उसके बाद दोस्तों,